वेलकम बैक दोस्तों। तो मैं अपनी मशीन लर्निंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फीचर स्केलिंग के अंदर हम पढ़ेंगे अपने रोबस्ट स्केलर को। पर इससे पहले मैंने मिनमैक्स स्केलर, स्टैंडर्ड स्केलर, मैक्स एप स्केलर्स के बारे में आप लोगों को बता दिया है। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपनी लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करता हूँ। अब मैं नंपाई को इंपोर्ट करूंगा क्योंकि मुझे एक एरे फॉर्म करना है। थाउजेंड, फोर हंड्रेड, जीरो, माइनस फोर हंड्रेड, और ये आ गया हमारा माइनस का थाउजेंड। तो इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो ये देखिए हमारा एरे प्रिंट होके आ गया। अब मुझे परफॉर्म करना है रोबस्ट स्केलर। तो जैसा मैंने मिनमैक्स स्केलर बाकी में करा था, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ आरबी रोबस्ट स्केलर के लिए। उसके बाद क्या करता हूँ मैं प्री प्रोसेसिंग डॉट रोबस्ट अब इसके बाद क्या करता हूं मैं जो मैंने वेरिएबल बनाया है अब मैं करूंगा आरबी डॉट फिट ट्रांसफॉर्म कर दो। और जो मेरा एरे मैंने बनाया था वो इसके अंदर पास कर देता हूं। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो देखिए मेरा आउटपुट आ गया है। अब दोस्तों आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि आउटपुट किस तरीके से आया है। जैसे मैंने स्टैंडर्ड स्केल सब मैं आपको सोल्व करके दिखाया है तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमारा फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनिएगा फॉर्मूला, एक्स माइनस क्यू टू अपॉन में क्यू थ्री माइनस क्यू वन। ठीक है, क्यू थ्री क्यू वन क्यू टू हमारी क्वार्टाइल रेंज होती है। तो अगर मुझे क्यू वन निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, क्यू वन निकालने के लिए मुझे करना होगा एनपी डॉट परसेंटाइल और इसके अंदर देना होगा डीएफ और 25। ठीक है, मैं Q1 का एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए मेरे Q1 की वैल्यू माइनस 400 आ चुकी है यहाँ पे। अब मुझे इसी तरीके से Q2 निकालना है तो Q2 इक्वल्स टू NP डॉट परसेंटाइल DF आपके पास करूंगा 50। ठीक है, और Q2 एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखिए मेरे Q2 की वैल्यू आ गई 0। ये जनरली करता क्या है आप लोगों को ट्रिक की टाइप के बताता हूँ। सबसे नीचे वाली वैल्यू होती है डीएफ 0, फिर ये होती है डीएफ 25, फिर ये होती है मेरी डीएफ 50, फिर ये होती है डीएफ 75, फिर ये होती है डीएफ 100। ठीक है, इसी तरीके से मैं Q3 निकाल लेता हूँ मेरा। तो ये Q3 के लिए क्या करता हूँ वैसे ही करूंगा एनपी डॉट परसेंटाइल डीएफ कॉमा 75। तो अभी Q3 को एग्जीक्यूट करता हूं मैं तो ये देखिए मेरी 400 वैल्यू आ गई, जैसे मैंने आपको बताया था 25, 50 और 75 के लिए। अब मुझे फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है तो मुझे निकालना है कि मेरे 1000 की वैल्यू कैसे आई है। तो 1000 माइनस का एनपी डॉट परसेंटाइल, तो इसके अंदर मैं डालूंगा Q2 की वैल्यू, तो यानी कि डीएफ कॉमा 50। अब मैं इसे डिवाइड करूंगा मैं अपने Q3 से, यानी कि NP डॉट परसेंटाइल DF कॉमा 75, और इसके अंदर मैं वैल्यू डालूंगा अब अपने Q1 की NP डॉट परसेंटाइल, और इसके अंदर डालेंगे हम DF कॉमा 25। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको तो ये देखिए 1.25 मेरी वैल्यू आ चुकी है 1.25 1000 के लिए। इसी तरीके से आप यहाँ पे 1000 की जगह वैल्यू चेंज कर दीजिए, माइनस 400 400 प्लस 400 और माइनस 1000 और वैल्यू निकाल के देख लीजिए, ऐसी आपकी वैल्यू आएगी। अब मैं आता हूं मेरा टू डायमेंशनल एरे हो, अगर टू डी एरे तो कैसे हम परफॉर्म करेंगे। हेडिंग बना लेता हूं इसे तो टू डी एरे के लिए सबसे पहले मैं एक एरे डिफाइन करता हूं
तो df इक्वल्स टू मैं np डॉट एरे बना दो मेरा, इसका साइज है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखिए मेरा एरे प्रिंट हो चुका है। अब सेम मुझे करना है, यहाँ पे क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है। तो आप लोगों को स्टेप याद हो गए होंगे अगर आप मेरी वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो, कि हमें करना क्या होता है। अब मैं रॉबस्ट स्केलर का यूज करता हूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा df1 नाम से, उसके बाद rb डॉट फिर ट्रांसफॉर्म करूंगा, उसके बाद इसके अंदर df पास करूंगा। अब df1 को एग्जीक्यूट करूंगा। अब दोस्तों वहां पे तो आपको समझ में आ गया था कि किस तरीके से इंप्लीमेंट करके हमारा आउटपुट आया था। यहां पर समझाने के लिए मैं आप लोगों को कॉपी और पेन का यूज करूंगा और उसमें आपको फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके समझाता हूं मैं आपको। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने फॉर्मूला लिख लिया है x-q2/q3-q1, और अगर मुझे q1 की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए मैं 10 और उसके नीचे वाली वैल्यू का ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो मेरी 25 आ जाएगी। अब इसी तरीके से मुझे q2 की वैल्यू निकालनी है तो मैं सेम उसको रख दूंगा, q3 की निकालनी है तो 40 प्लस और उसकी नेक्स्ट वैल्यू जो पिछली वाली थी उसे डिवाइड बाय 2 करके निकाल लूंगा। अब मुझे क्या करना है, फॉर्मूले में से इंप्लीमेंट करना है, तो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा था और जिस वैल्यू के लिए मुझे निकालना होगा उस वैल्यू के लिए मैं वहां पे इंप्लीमेंट करके निकाल दूंगा। तो मुझे एक्स की जैसे 10 की वैल्यू के लिए निकालना है तो मैं x=10 लिखने के बाद उस वैल्यू में से जो हमारी Q2 की वैल्यू थी 40 और अपॉन में Q3-Q1 को करके 30/30 आएगा और मेरा -1 आ जाएगा, जैसा कि आप वहां भी देख सकते हैं। और इस तरीके से ही मैं x की दूसरी वैल्यू के लिए निकालता हूँ, 40 के लिए निकालता हूँ तो 40-40 तो 0 हो जाएगा और अपॉन में 55 माइनस जब ऊपर 0 हो गया तो नीचे कुछ फर्क नहीं। तो चलिए दोस्तों अगर आपको ये समझ में आ चुका है कि ये वैल्यूज किस तरीके से आई हैं, और अब मैं क्या करता हूँ, डाटा सेट इम्पोर्ट करता हूँ और उस पर परफॉर्म करता हूँ अपना रोबस्ट स्केलर। तो मैं इम्पोर्ट पांडास एसपीडी करता हूँ, उसके बाद मैं df डिफाइन करता हूँ जिसमें कहता हूँ मेरी रीड कर दो csv फाइल को, जिसका पाथ मैंने ये दे दिया है यहाँ पे, सिंगल स्लैश को डबल स्लैश में कन्वर्ट कर लूंगा ताकि मुझे कोई एरर शो ना करे। और मेरी फाइल का नाम है abc.csv df। अभी से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये कोई एरर दिखा रहा है, मुझे देखना पड़ेगा एरर क्या है। ये देखिए आ चुका है, वो वार्निंग थी, ये मेरा डाटा सेट आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ देख सकता हूँ कि प्रेगनेंसीज और ग्लूकोज के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है वैल्यूज का, जो मैंने फीचर स्केलिंग में आपको सिखाया था। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे एक df1 बनाता हूँ जिसके अंदर मैं df.ilog करके अपनी वही रोज ले लूंगा जिसपे मुझे फीचर स्केलिंग परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रोज में तो कुछ है नहीं तो कॉलम में लेना है मुझे, तो मैं 0 इंडेक्स का और 1 इंडेक्स का कॉलम अपना ले लूंगा। अब मैं यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता हूँ कि आया कि नहीं, और ये देखिए प्रेगनेंसीज और ग्लूकोज मेरा आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसमें रोबस्ट स्केलिंग परफॉर्म करना है, तो सिंपल वही एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं, उसके बाद मैं प्री प्रोसेसिंग डॉट रोबस्ट स्केलर लिख के आगे बढ़ूंगा, और उसके बाद मैं करूंगा df2 और इसके अंदर मैं क्या करूंगा rb डॉट फिर ट्रांसफॉर्म करके अपनी वैल्यू को जो मैंने आईलॉग में निकाली थी उन्हें इसमें पास कर दूंगा। अब df2 को मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं तो ये देखिए मेरी वैल्यूज आ चुकी हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी मशीन लर्निंग की सीरीज की प्लेलिस्ट पसंद आ रही है या फिर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों, प्लीज कर दीजिए ताकि हमें ग्रो करने में हेल्प मिले। थैंक यू वेरी मच।